आइए पढ़ते हैं द ग्रेन एंड फ्लोर मॉथ के बारे में। इसे एंगेमोइस ग्रेन मॉथ भी बोलते हैं। इसे एंगेमोइस ग्रेन मॉथ भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि जो फ्रांस है वहां पर एक रीजन हम बोल सकते हैं, ठीक, वहां पर एक सूबा है एंगेमोइस, वहां पर इसको क्या किया गया, सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? साइटोट्रोगा सीरियलेला इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक। क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो इंसेक्टा क्लास का मेंबर है ये, ठीक। एक बात ध्यान रखें कि जो इंसेक्टा क्लास के मेंबर्स होते हैं सारे के सारे, ठीक, उनके अंदर क्या होता है कि हम लोग इंसेक्ट पेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक, जो सारे के सारे पेस्ट हैं इंसेक्ट, तो इनको कंट्रोल करने के लिए हम लोग इंसेक्टिसाइड्स का यूज कर सकते हैं, ठीक। इनको कंट्रोल करने के लिए हम लोग इंसेक्टिसाइड्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका ऑर्डर है वो है लेपिडोप्टेरा। क्या है? लेपिडोप्टेरा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि जो लेपिडो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? स्केल्स। क्या मतलब होता है? स्केल्स, ठीक। और जो पेरा वर्ड है, ठीक, इसका वर्ड का मतलब क्या होता है? विंग्स, ठीक। तो मतलब क्या है, इसके जो विंग्स होंगे वो कैसे होंगे? वो स्केली विंग्स होंगे। कैसे होंगे? स्केली विंग्स होंगे, ठीक। फैमिली का जो नेम है ग्रैकिडी, ये जीनस के नेम पे दिया गया है। इसके हम लोग बात करें कि डिस्ट्रीब्यूशन की अगर, तो ये क्या है, पूरा कॉस्मोपॉलिटिन है, पूरे वर्ल्ड के अंदर पाया जाता है, ठीक। क्या है? कॉस्मोपॉलिटियन है। क्या है? कॉस्मोपॉलिटियन है, ठीक, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर पाया जाता है। अगर हम लोग बात करें इसके होस्ट प्लांट्स की, ठीक, होस्ट प्लांट की अगर बात करें तो वीट जो है, वीट, ठीक, राइस, मेज, वीट, राइस, मेज, ठीक है, ज्वार एंड बाजरा, ये क्या है इसके मोस्टली जो कॉमन होस्ट प्लांट्स हैं ये हैं, ठीक। इसके हम लोग अब क्या करते हैं, जनरल अपीयरेंस की बात करते हैं। जनरल अपीयरेंस के अंदर एक बात ध्यान रखें कि इसका जो साइज है वो कितना होता है, लगभग 5 to 7 mm इसकी लेंथ होती है। क्या होता है? 5 to 7 mm इसकी लेंथ होती है, ठीक। कलर जो होता है इसका वो पेल ब्राउन कलर होता है। क्या होता है? पेल ब्राउन कलर का होता है, ठीक, पेल ब्राउन कलर। अब हम लोग एक बात करें कि जनरल अपीयरेंस के अंदर इसके जो विंग्स हैं, ठीक, विंग्स जो हैं इसके वो क्या हैं? फ्रिंज विंग्स होते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर साइड के अंदर क्या होते हैं, जो विंग्स होते हैं वो कटे फटे होते हैं इस टाइप से, ठीक है। फ्रिंज वहां पर काफी ज्यादा देखने मिलता है। फ्रिंजेस का मतलब क्या होता है कि जो विंग्स हैं वो कटे फटे हैं, ठीक। तो इसके जो विंग्स हैं वो क्या है? फ्रिंज विंग्स हैं, ठीक, फ्रिंज विंग्स हैं, ठीक। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि जो विंग्स हैं तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, विंग्स में जो ब्लैक स्पॉट्स हैं वो पाए जाते हैं, ठीक। क्या पाए जाते हैं? ब्लैक स्पॉट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ब्लैक स्पॉट्स पाए जाते हैं विंग्स में, ठीक। ये था इसकी जनरल जो अपीयरेंस है इसके बारे में, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि एक्चुअल के अंदर जो इसका लाइफ साइकिल है, ठीक, लाइफ साइकिल के अंदर अगर हम लोग बात करें तो अगर टेम्परेचर रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस, ध्यान से बात सुने, लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं, अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक, तो इसका जो लाइफ साइकिल है वो 30 डेज का ही होता है। क्या होता है? 30 डेज के अंदर इसका क्या हो जाता है? लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर टेम्परेचर कम रहता है तो इसका जो लाइफ साइकिल है वो लंबा चल सकता है, क्योंकि जो इंसेक्ट्स होते हैं ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं, पता होगा आप लोगों को, ठीक। लाइफ साइकिल के अंदर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं इसके एग्स के बारे में जानना, ठीक। जो एग्स होते हैं इसके वो क्या होते हैं? वाइट होते हैं इनिशियली, ठीक। क्या होते हैं? वाइट कलर के होते हैं, और ये क्या होते हैं कि क्लम्प्स में दिए जाते हैं, ठीक, क्लम्प्स में दिए जाते हैं, क्लम्प्स में, या फिर अगर क्लम्प्स में नहीं दिए जाते हैं तो सिंगली भी इसको ले किया जा सकता है। सिंगली भी मतलब अकेला एग भी दिया जा सकता है, ठीक। फीमेल क्या करती है? एग्स को ले करती है, तो वो सिंगली भी कर सकती है और क्लम्प्स में भी कर सकती है। जनरली जो एग्स होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं, ठीक, और ओवल इसका क्या होता है? शेप होता है, ओवल शेप के एग्स होते हैं, ठीक। क्या होते हैं? ओवल शेप के एग्स होते हैं। साइज की अगर बात करें एग्स की तो वो कितना होता है? 0.05 mm क्या होता है इसका साइज होता है, ठीक। अगर हम लोग बात करें इसके एग के साइज की तो वो क्या होता है? 0.05 mm इसका साइज होता है, ठीक। तो अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं कि जो कैटरपिलर होता है इसका, ठीक। एक बात और ध्यान रखें कि जो एग्स होते हैं उनमें क्या होता है कि
इनिशियली वो व्हाइट होते हैं ठीक, लेकिन बाद में उनका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कितना? उनका कलर जो है वो चेंज हो जाता है ब्राइट रेड कलर के अंदर। ब्राइट रेड कलर के अंदर क्या हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं ठीक। एक बात और ध्यान रखें कि इसका जो साइज है वो कितना होता है, 0.5 mm होता है, 0.5 mm होता है, 0.05 mm नहीं होता, 0.5 mm होता है ठीक। तो ये था एक्स के बारे में। और एक्स ले कहाँ पर किए जाते हैं, एक्चुअल में सरफेस जो होती है, जो सरफेस होती है किसकी, स्टोर्ड ग्रेन्स की, वहां पर क्या किए जाते हैं, सरफेस पे जो एक्स है वो ले किए जाते हैं ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जो कैटरपिलर होता है ठीक, जब एग को क्या किया जाता है, 4 to 7 days तक इंक्यूबेट किया जाता है। जब एग्स को क्या किया जाता है, 4 to 7 days तक इंक्यूबेट किया जाता है, तब क्या होता है कि वहां से एक लार्वा बाहर निकलता है। वहां से क्या होता है कि एक लार्वा बाहर निकलता है ठीक। जो लार्वा होता है वो क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का लार्वा होता है ठीक है। क्या होता है, व्हाइट कलर का लार्वा बाहर से बाहर निकलता है ठीक, व्हाइट कलर का लार्वा वहां से बाहर निकलता है। लेकिन उसका जो हेड होता है वो येलो ब्राउन कलर का होता है। क्या होता है, येलो ब्राउन कलर हेड। क्या होता है, येलो ब्राउन कलर हेड जो होता है उसका वो होता है ठीक, येलो ब्राउन कलर उसका हेड होता है। लेकिन जो लार्वा है वो, जिसकी बॉडी है वो व्हाइट कलर की होगी ठीक। इनक्यूबेट जब करते हैं इसको 4 to 7 days इसके एग्स को, तब क्या होता है वहां से हैचिंग होती है और जो लार्वा है वो बाहर निकलता है ठीक। जो लार्वा होता है एक्चुअल के अंदर वो क्या करता है, उसके बाद में जो लार्वा है वो कहाँ पर जाता है, जो कि एक्चुअल में सरफेस पे होता है शुरू में, वो उसके बाद में सीड के अंदर एंट्री लेता है ठीक, ग्रेन के अंदर चला जाता है वो ठीक। और ग्रेन के अंदर जाने के बाद में क्या करता है, अपनी फीडिंग करता है ठीक, ग्रेन को कमजोर कर देता है, खोखला कर देता है उसे ठीक। अगर हम लोग बात करें कि जो कैटरपिलर होता है वो पूरा मैच्योर हो जाए तो उसकी जो लेंथ होती है वो 6 mm तक हो सकती है ठीक। 6 mm तक क्या होती है, जो कैटरपिलर है इसकी लेंथ होती है ठीक। और ये क्या करता है एक्चुअल में, 5 times मोल्ट करता है। क्या करता है, 5 times मोल्टिंग करता है, 5 times मोल्टिंग करता है ठीक। 5 times क्या करता है, ये मोल्टिंग करता है ठीक। और ये जो स्टेज है इसकी, कैटरपिलर की जो स्टेज है वो लगभग 14 से 20 दिन तक रहती है ठीक है, मतलब 2 से 3 हफ्ते तक इसकी जो स्टेज है ये रहती है। उसके बाद में जो कैटरपिलर होता है ये क्या करता है, अपने आप को प्यूपेट करता है और प्यूपा का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, प्यूपेट करता है और प्यूपा का फॉर्मेशन करता है ठीक। जो प्यूपा होता है इसका वो क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का क्या होता है इसका, प्यूपा होता है ठीक, रेडिश ब्राउन कलर का पीपा होता है। और पीपा का जो साइज होता है वो कितना होता है, जो साइज है पीपा का साइज कितना होता है, लगभग 5 mm इसका क्या होता है, साइज होता है ठीक। पीपा का साइज कितना होता है, 5 mm। और जो पीपा की स्टेज जो है ये 7-10 दिन तक रहती है ठीक, लगभग 7 से लेकर 10 दिनों तक ये स्टेज रहती है ठीक। ये था पीपा के बारे में। और पीपा से उसके बाद में क्या होता है कि जो एडल्ट है वो एमर्ज आउट होता है वहां से ठीक। एडल्ट की हम लोग जनरल अपीयरेंस पढ़ चुके हैं कि एडल्ट कैसा होता है, कि उसके विंग्स होते हैं, फ्रिंज विंग्स होते हैं ठीक। और क्या होता है, वो पेल ब्राउन कलर का एक्चुअल के अंदर उसका कलर होता है ठीक, 5 mm तक, 5 से 7 mm क्या होती है उसकी लेंथ होती है। अब हम लोग बात करेंगे डैमेज जो होता है, बेसिकली जो डैमेज है वो कौन कॉज करता है। हमने देखा कि जो कैटरपिलर हैं वो क्या करते हैं, एग, जब एग से एमर्ज आउट होते हैं उसके बाद में ग्रेन के अंदर एंट्री ले जाते हैं, और एंट्री करने के बाद में ग्रेन में को क्या करते हैं, फीडिंग करते हैं ठीक। तो मतलब मेनली जो डैमेज कौन कर रहा है, इसका जो कैटरपिलर है ठीक, इसका जो लार्वा है कैटरपिलर, वो क्या कर रहा है एक्चुअल में, यहाँ पर डैमेज ज्यादा कॉज कर रहा है ठीक। और नेक्स्ट हम लोग बात करें कंट्रोल की ठीक। कंट्रोल की अगर बात करें तो इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, जैसे कि हमने शुरू में भी बात की थी कि जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उनका यूज करके हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं ठीक। इंसेक्टिसाइड का यूज करके हम लोग इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं इनिशियली ठीक, अगर केमिकल का यूज नहीं करना है तो जो ग्रेन्स हैं, जो ग्रेन्स हैं ठीक है, इन्हें अच्छी तरह से क्या करना चाहिए, हमें ड्राई करना चाहिए ठीक। क्योंकि अगर ये ड्राई नहीं है तो इंसेक्ट्स का इन्फेस्टेशन ज्यादा हो सकता है ठीक है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो कार्बन डाइसल्फाइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है ठीक, इसका क्या करना चाहिए, हमें फ्यूमिगेशन करना चाहिए, इसका फ्यूमिगेशन करना चाहिए ठीक। और इसके अलावा एक केमिकल सब्सटेंस ठीक है स्प्रे करनी चाहिए हमें, क्या, क्लोरीन
क्लोरोपेक्रिन, ठीक। क्लोरोपेक्रिन क्या एक्चुअल में, ये एक इंसेक्टिसाइड है, ठीक। इसको हम लोग अगर स्प्रे करें तो क्या होता है कि इस मौत से हमें बचाव हो सकता है, इस मौत से हमारे जो ग्रेन्स हैं उनका बचाव हो सकता है, ठीक। तो ये था एंगियोमाइस ग्रेन मौत के बारे में। आइए पढ़ते हैं ट्राइबोलियम के बारे में। इसका कॉमन नेम क्या है कि इसे बोलते हैं द रस्ट रेड बीटल फ्लोर। क्या बोलते हैं? द रस्ट रेड बीटल फ्लोर बोलते हैं, ठीक। साइंटिफिक नेम क्या है इसका? ट्राइबोलियम सिस्टेनियम। क्या है? ट्राइबोलियम कैस्टेनियम इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक। एक बात और ध्यान रखें कि ट्राइबोलियम जो है इसका यूज किया जाता है एनिमल बिहेवियर के अंदर, ठीक। कैसे यूज किया जाता है कि बेसिकली लाइट के लिए रिस्पॉन्स देखा जाता है एनिमल्स का, ठीक। बेसिकली ट्राइबोलियम का इंसेक्ट, जो इंसेक्ट है, ठीक है, ट्राइबोलियम एक इंसेक्ट है, इसका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं एनिमल बिहेवियर के लिए कि जो लाइट के लिए एनिमल्स हैं वो किस टाइप से रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक। तो अब ये देखा जाता है कि जो ट्राइबोलियम है ये अंधेरे में रहना पसंद करता है, ठीक। वो एक अलग टॉपिक है। आइए हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट के रिस्पेक्ट में हम लोग इसके बात करते हैं, ठीक। तो ट्राइबोलियम कैस्टेनियम इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक। क्लास इसकी इंसेक्टा, ऑर्डर कोलियोप्टेरा है, ठीक है। फैमिली क्या है इसकी? टेनेब्रियोनिडी, ठीक। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए, इस इंसेक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए, तो ये क्या है? कॉस्मोपॉलिटिन ही है। क्या है? कॉस्मोपॉलिटिन है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड पाया जाता है, कॉस्मोपॉलिटियन है, ठीक। क्लियर। अब बेसिकली कहां पर पाया जाता है ये, कि जो फ्लोर मिल्स होती हैं, कहां पर? बेसिकली जो फ्लोर मिल्स होती हैं, ठीक। फ्लोर मिल्स जो है, क्या है? फ्लोर मिल्स जो है वहां पर ज्यादा पाया जाता है। अराउंड 85 फ्लोर मिल्स, और अराउंड 85% फ्लोर मिल्स जो हैं वहां पर ट्राइबोलियम पाया जाता है, ठीक है। ट्राइबोलियम सस्टेनियम पाया जाता है। नेक्स्ट इसके बारे में देखते हैं कि इसके जो होस्ट हैं, ठीक। होस्ट क्या है इसका? बेसिकली जो वीट है, क्या? वीट, ठीक है, या जो राइस है। और बेसिकली क्या है? फ्लोर बीटल है एक टाइप का, क्या है? मिल के अंदर पाया जाता है, फ्लोर में, ठीक है। मेजरली कहाँ पर मिलेगा अपने को? ये जो आटा होता है, ठीक है, गेहूं का आटा, वीट का आटा, राइस का आटा, वहां पर हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन आटा आता कहाँ से है? वीट के प्लांट से ही आता है, तो इसका होस्ट उसी को मानते हैं, ठीक। बेसिकली इसका जो लाइफ स्पैन है वो फ्लोर में ही बीतता है, ठीक है, आटे में ही बीतता है। जनरल अपीयरेंस की अगर बात करें तो इसका जो साइज होता है एडल्ट का, ठीक, वो कैसा होता है? एक्चुअल में जो साइज है इसका 3 to 3.5 mm इसका क्या होता है? साइज होता है, ठीक। साइज क्या होता है इसका? 3 to 3.5 mm इसका साइज होता है, ठीक। अगर नेक्स्ट बात करें इसका जो अपीयरेंस है, ठीक है, इसका जो कलर है वो कैसा होता है? रेडिश, रेडिश ब्राउन कलर होता है। क्या होता है इसका? रेडिश ब्राउन कलर होता है, ठीक। रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक। क्या कलर होता है इसका? रेडिश ब्राउन कलर होता है इसका। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग कि इसका जो लाइफ स्पैन है, ठीक है, एक्चुअल में जो लाइफ साइकिल है इसका, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कैसा है, ठीक है। जैसा कि हमने अभी तक जो सारे के सारे इंसेक्ट पढ़े हैं उसके अंदर क्या है कि जो टेम्परेचर है वो एक इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं हम लोग, मेजर एक एनवायरमेंटल फैक्टर है जो कि इनको क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो जो लाइफ साइकिल है इसका लगभग 1 month to 90 days, ठीक है, 1 month to 3 months तक क्या करता है इसका, वेरी करता है जो लाइफ साइकिल है इसका, ठीक। मतलब अगर गर्मी होगी तो ये जल्दी अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लेंगे, लेकिन सर्दियों में क्या हो जाता है, ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं, और तब क्या होता है इनका जो लाइफ साइकिल है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, ठीक, लंबा हो जाता है थोड़ा। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये जो लाइफ साइकिल है इसके अंदर स्टेजें कितनी होती हैं। जैसा कि हमने अभी तक सारे के सारे जो इंसेक्ट पढ़े हैं इसके अंदर क्या होती हैं, इसके अंदर भी 4 ही स्टेजें होती हैं, ठीक। कौन कौन सी? एग्स होते हैं, फिर वहां से ग्रब्स निकलते हैं, ग्रब्स अपने आप को प्यूपेट करते हैं, एंड देन एडल्ट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो एग्स की बात करें तो जो एग्स हैं, वो कहाँ पर दिए जाते हैं? वो फ्लोर में ही दिए जाते हैं, जो सरफेस होती है, ठीक है, एक्चुअल में जो सरफेस है फ्लोर की, ठीक, सरफेस ऑफ फ्लोर, वहां पर दिए जाते हैं, ठीक। और जो एग्स हैं बेसिकली वो है क्या? सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक, सिलेंड्रिकल, होते हैं। और इन जनरल जो फ्लोर होता है वो व्हाइट कलर का ही होता है, तो इसके जो एग्स हैं
वो क्या हो जाते हैं, व्हाइट कलर के होने के कारण जो फ्लोर है उसके अंदर कंसील्ड हो जाते हैं, ठीक है, उसमें छिप जाते हैं, दिखते नहीं इजीली। तो जो फीमेल है वो एग्स को ले करती है, ठीक, और बेसिकली जो एग्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल एग्स होते हैं और फ्लोर में कंसील्ड हो जाते हैं, हमें दिखते नहीं, ठीक। उसके बाद में क्या होता है कि जो एग्स हैं उनको इनक्यूबेट करना पड़ता है, जो एग्स हैं उनको इनक्यूबेट करना पड़ता है, ठीक। इनक्यूबेट लगभग 4 to 12 days तक जब उसको इनक्यूबेट किया जाता है, ठीक है, तब क्या होता है, इनक्यूबेशन के बाद में वहां से क्या निकलता है, एक ग्रब निकलता है, लार्वा निकलता है, क्या बोलते हैं इसे, ग्रब बोलते हैं, ठीक। जो क्या होता है, एक लॉन्ग लार्वा होता है, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है, और इसके अंदर क्या होता है, इसकी जो बॉडी होती है लार्वा की वो सेगमेंटल होती है, ठीक है। बॉडी के अंदर क्या होते हैं, काफी ज्यादा सेगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक। जो ग्रब्स होते हैं क्या है, एक्चुअल में लार्वा है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, दिख रही होगी आपको, ठीक। और बेसिकली होते क्या है, शुरू में जो ग्रब्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है कि इनका जो सेगमेंट्स हैं इनके नंबर भी बढ़ता रहता है, और जो सेगमेंट्स हैं इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, इनमें बेसिकली जो हेयर्स हैं, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ग्रब के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक। और अगर हम बात करें कि जो फुली ग्रोन जो ग्रब है, ठीक, फुली ग्रोन जो ग्रब है उसका साइज कितना होता है, तो उसका साइज लगभग 4.6 mm तक उसका साइज हो सकता है, 4.6 mm तक क्या हो सकता है, फुली ग्राउंड ग्रब का साइज हो सकता है, ठीक। और उसके बाद में क्या होता है कि जो ग्रब होता है वो अपने आप को क्या करता है, प्यूपेट करता है, जो ग्रब है वो अपने आप को प्यूपेट करता है, ठीक। और बेसिकली जो ये स्टेज है, जो स्टेज है, ठीक है, ये 1 month तक चल सकती है, ठीक है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो 1 month तक चल सकती है, ठीक है, और अगर टेम्परेचर 28 days तक चल सकती है, और अगर टेम्परेचर कम है तो ज्यादा भी चल सकती है, ठीक है। कौन सी ग्रब की स्टेज की बात करें, प्यूपा की बात नहीं करें, ग्रब की जो स्टेज है, ठीक। उसके बाद में क्या होता है कि इसका जो प्यूपा होता है, ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है कि जो ग्रब है अपने आप को प्यूपेट करता है, कहां पर, सरफेस पे ही क्या कर लेता है, अपने आप को प्यूपेट कर लेता है ये, और प्यूपा का फॉर्मेशन करता है, क्या करता है, प्यूपा का फॉर्मेशन करता है, ठीक। प्यूपा जो होता है एक्चुअल में शुरू में क्या होता है कि ये व्हाइट कलर का होता है, जो प्यूपा है ये क्या होता है, इनिशियली व्हाइट कलर का होता है, लेकिन बाद में ये येलो कलर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है, इनका जो ये कलर है वो येलो हो जाता है, ठीक। और जो प्यूपा है इसकी अगर बात करें हम लोग, ये जो स्टेज है ये कितने दिनों तक रहती है, ये लगभग 6 to 9 days तक इसकी जो स्टेज है ये रहती है, ठीक, 6 to 9 days तक ये स्टेज रहती है, क्लियर। उसके बाद में क्या होता है कि जो एडल्ट होते हैं प्यूपा में से वो बाहर निकलते हैं, ठीक, और एडल्ट की हम लोग जनरल अपीयरेंस पहले पढ़ चुके हैं, ठीक, वो क्या होते हैं, रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं, और 3.3 to 3.5 mm इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। बेसिकली हम लोग बात करें कि जो डैमेज है वो कौन कॉज करता है, तो बेसिकली जो ग्रब्स हैं, ठीक है, जो ग्रब्स हैं वो क्या करते हैं, काफी ज्यादा डैमेज कॉज करते हैं, एक्चुअल में कर क्या देते हैं, वो जो फ्लोर होता है उसको खराब कर देते हैं, ठीक है, फ्लोर की जो क्वालिटी है उसको खराब कर देते हैं, और जो फ्लोर है वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए वो यूजफुल नहीं रहता है, ठीक है, उसका कंजप्शन नहीं किया जा सकता, उसका कंजप्शन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो बेसिकली क्या कर देते हैं, ये फ्लोर को खराब कर देते हैं, ठीक, और कर दे क्या देते हैं, उसका जो कलर है फ्लोर का, ठीक है, वो ग्रे कलर का कर देते हैं, क्या करते हैं, व्हाइट टू ग्रे कलर में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, जो फ्लोर का कलर होता है व्हाइट टू ग्रे, ठीक है। तो ये क्या है, अनफिट हो जाता है ह्यूमन कंजप्शन के लिए, ठीक। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें कंट्रोल की, तो कंट्रोल के अंदर क्या है कि ये फ्लोर के अंदर पाया जाता है, तो यहाँ पर कोई इंसेक्टिसाइड हम लोग नहीं छिड़क सकते क्योंकि आटा हमें खाना होता है, ठीक। तो जो कंट्रोल है वो कैसे करेंगे, बेसिकली इनको क्या कर सकते हैं, हम मैन्युअली रिमूव कर सकते हैं, मैन्युअली रिमूव कर सकते हैं इनको, ठीक, या फिर जो आटा इन्होंने खराब किया, जो फ्लोर खराब किया उसको हम लोग रिजेक्ट कर दें, ठीक, क्या कर सकते हैं, उसे रिजेक्ट कर दें, या फिर इसके अलावा क्या है कि जो हमारी जो फ्लोर मिल्स हैं, ठीक है, उन्हें साफ रखा जाए। तो ये क्या है, इसके इन्फेस्टेशन से बचने का तरीका है, ठीक। आइए नेक्स्ट बीटल के बारे में पढ़ते हैं, लेजर ग्रेन बोरर जिसको बोलते हैं, या फिर कॉमन लैंग्वेज में हम लोग उसे क्या बोल देते हैं, सुसरी बोल देते हैं, ठीक। साइंटिफिक नेम की बात करें तो राइजोपर्था डोमिनिका इसका क्या है, साइंटिफिक नेम है, ठीक। आइए क्लासिफिकेशन देखते हैं, इंसेक्टा क्लास है, कॉलियोप्टेरा ऑर्डर है, और बॉस्ट्रिकिडी फैमिली है इसकी, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जनरल अपीयरेंस इसकी, ठीक, जनरल अपीयरेंस के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है इसका, कि जो हेड है इसका, एक्चुअल में जो हेड है वो क्या है, ग्लोबुलर है, क्या है, ग्लोबुलर हेड होता है इसका, ठीक, क्या होता है, ग्लोबुलर हेड होता है, ठीक। और इसका जो कलर है बेसिकली वो क्या होगा, इसका जो कलर है
वो ब्लैक कलर का, ठीक है, क्या होता है लगभग ब्राउन ब्लैक कलर का इसका अपीयरेंस हमें दिखती है, ठीक, ब्राउनिश ब्लैक कलर हम लोग बोल सकते हैं, ठीक। क्या होता है इसका कलर, जो एक्चुअल में इसका जो हेड है वो क्या है, ग्लोबुलर शेप का होता है, ठीक, और ब्राउनिश जो ब्लैक कलर का क्या है, ये बीटल है, ठीक। और इसकी जो लेंथ की बात करें तो हम लोग इसकी लेंथ क्या होती है, बहुत छोटा होता है ये, 1.52 ये 3 mm तक लॉन्ग हो सकता है, ठीक। इन जनरल ये 2 mm या 3 mm का देखने को मिलता है हमें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लाइफ साइकिल के अंदर भी इसके 4 स्टेजेस होती हैं, कौन कौन सी, एग्स, ग्रब्स, प्यूपा एंड एडल्ट्स, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्स की। जो एग्स होते हैं बेसिकली वो कहाँ दिए जाते हैं, ग्रेन्स में ही दिए जाते हैं, ठीक है, इनसाइड ग्रेन्स दिए जाते हैं। कहाँ दिए जाते हैं, इनसाइड ग्रेन्स, ठीक, कहाँ दिए जाते हैं, इनसाइड ग्रेन्स दिए जाते हैं। इससे पहले एक बात रह गई अपने कि जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, इंडिया के अंदर तो ये मेजरली पाया ही जाता है, ठीक है, ऑल ओवर द इंडिया पाया जाता है। इसके अलावा जो इसके होस्ट प्लांट्स हैं, होस्ट प्लांट्स इसके कौन कौन से हैं, बेसिकली राइस, ठीक, राइस, वीट हम बोल सकते हैं, ठीक है, ये क्या है इसके बेसिकली जो मेजर होस्ट प्लांट है वो ये है, ठीक। इसके अलावा अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें कि मेज, बार्ली, ठीक है, मेज और बार्ली, मेज एंड बार्ली, ये भी क्या है इसके होस्ट प्लांट्स में ही हम लोग इन्हें क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो वापस आते हैं, जो एग्स होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रेन्स के अंदर ही दिए जाते हैं, ठीक है। जो फीमेल है वो एग्स को ले करती है और अपने लाइफ स्पैन के अंदर बेसिकली क्या करती है, वो लगभग 200 to 500 एग्स दे देती है, ठीक। और कहाँ देती है, इनसाइड ग्रेन्स ही देती है, क्लियर। जो एग्स होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, पियर शेप होते हैं, ठीक, क्या होते हैं, पियर शेप एग्स होते हैं, ठीक। कुछ ऐसे शेप के होते हैं जो एग्स हैं वो क्या होते हैं, पियर शेप एग्स होते हैं, ठीक, पियर शेप। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जो एग्स हैं, इन्हें क्या करना पड़ता है, इंक्यूबेट करना पड़ता है, ठीक। इंक्यूबेशन लगभग 1 हफ्ते तक चल सकता है या फिर 5 to 7 days हम बोल सकते हैं, ठीक। इनका इतने दिन इसका इंक्यूबेशन करने के बाद में यहाँ से क्या होता है कि ग्रब निकलता है, ठीक। इंक्यूबेशन के बाद में क्या निकलता है, ग्रब निकलता है, ठीक। जो ग्रब होता है बेसिकली वो ब्राउन कलर का होता है, ठीक, क्या होता है, ब्राउन कलर का ग्रब होता है। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करता है उसका कलर जो है वो व्हाइट होने लगता है, ठीक है, और व्हाइट भी कैसा, डर्टी व्हाइट, गंदा सा व्हाइट इसका कलर हो जाता है, ठीक, डर्टी व्हाइट इसका कलर होता है, क्लियर। और बेसिकली जो ग्रब है इसका हेड जो है ये लाइट ब्राउन ही रहता है, ये पेल ब्राउन कलर का रहता है, ठीक, पेल ब्राउन कलर का क्या रहता है, इसका हेड रहता है, ठीक। और जो ग्रब है बेसिकली इसकी जो शेप होती है ये क्या होता है, इस टाइप से कार्ड शेप होती है इसकी, ठीक है, कार्ड होता है ये, कार्ड होता है, क्लियर। तो ये था ग्रब, ठीक है। और ग्रब के बारे में एक बात और ध्यान रखें कि जो ग्रब की स्टेज है, ठीक, ग्रब की जो स्टेज है वो लगभग 45 days तक रह सकती है, लगभग 45 days तक क्या है, ग्रब रह सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी वेरिएशन है कि जो अगर समर होगी तो जल्दी इसका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाएगा, और अगर विंटर हुई तो ये थोड़ा ज्यादा टाइम तक चल सकता है, ठीक। इन जनरल ऐसा देखा जाता है कि 40 to 70 days में इसका जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक, 40 to 70 days में इसका जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और 1 साल के अंदर हम लोग इसकी लगभग 5 जनरेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक, 5 जनरेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ग्रब हमने देख दिया, ठीक। और उसके बाद क्या होता है कि जो ग्रब होता है अपने आप को क्या करता है, प्यूपेट करता है, ठीक, वो भी इनसाइड रहता है ग्रेन्स में। और लगभग ये जो प्यूपा की स्टेज है, जो प्यूपा की स्टेज है वो क्या रहती है, लगभग 7 से 8 दिन तक रहती है, ठीक। तो ग्रब जो है इसने क्या किया, अपने आप को प्यूपेट किया, और प्यूपेट करने के बाद में क्या हुआ, ये प्यूपा का फॉर्मेशन किया इसने, ठीक। और ये जो प्यूपा की स्टेज है ये कितना रहती है, लगभग 7 to 8 days तक रहती है, ठीक, ये इसका क्या है, प्यूपा है। नेक्स्ट प्यूपा से बाहर निकलता है जो, वो क्या होता है, एडल्ट होता है, ठीक। एडल्ट हमने बात की कि ग्लोबुलर हेड होता है इसका, ठीक है, ब्राउन ब्लैक कलर का बीटल होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि डैमेज, बेसिकली डैमेज कौन करता है इसका, जो प्यूपा है और एडल्ट दोनों ही क्या होते हैं, वोरेसियस फीडर्स होते हैं, क्या होते हैं, वोरेसियस फीडर्स हैं, दोनों ही क्या है, वोरेसियस फीडर्स हैं। वोरेसियस फीडर्स का मतलब क्या है कि काफी ज्यादा तेज खाने वाले एनिमल्स हैं, ठीक, काफी ज्यादा तेज खाते हैं ये।
तो मतलब क्या है कि जो ग्रब है बेसिकली वो तो इनसाइड होता है ग्रेन के, ठीक है। और जब वो ग्रब क्या करता है कि सीड के अंदर या फिर जो ग्रेन है उसके अंदर का सारा पार्ट खा जाता है, ठीक है, और बच क्या जाता है बाद में, टेस्टा बच जाता है, ठीक है। टेस्टा जो कि आउटर सीड कोट होते हैं वो बच जाते हैं, ठीक। तो मतलब क्या है कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही खराब हो जाती है ग्रेन्स की, ठीक। और इस टाइप से क्या करते हैं, जो एडल्ट भी इस टाइप से क्या करता है, डैमेज करता है, ठीक, एडल्ट ग्रेन्स को खराब कर देता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जो कंट्रोल है इसका, कंट्रोल किस टाइप से किया जाए, कि इसमें ध्यान रखने में बात क्या है कि हम लोग क्या करें, जो ग्रेन्स हैं उनको सबसे पहले क्या करें, कंप्लीटली ड्राई कर लें। वो उसके अंदर मॉइस्चर का कंटेंट नहीं रहना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, कंप्लीटली ड्राई होने चाहिए, ठीक। या फिर जिस कंटेनर में हम क्या करें इसको स्टोर कर रहे हैं वो भी क्या होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, एकदम ड्राई होना चाहिए, ठीक। और वो क्या होना चाहिए, स्टेरलाइज भी होना चाहिए, ठीक, स्टेरलाइज भी होना चाहिए वो, क्लियर, स्टेरलाइज भी होना चाहिए। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो इसके अंदर हम लोग घरों में क्या यूज करते हैं कि नॉर्मली जो नीम होता है, ठीक, नीम की लीव्स को मिला देते हैं इसके अंदर, ठीक है। नीम की जो लीव्स होती हैं उनको मिला दिया जाता है, ठीक। उससे भी क्या मिलता है हमें, इस बीटल से छुटकारा मिलता है, ठीक, इसके इन्फेस्टेशन से हमें छुटकारा मिलता है, क्लियर। और अगर जो ग्रेन्स हैं इन्फेस्टेड हो चुके हैं, ठीक है, खराब हो चुके हैं, तो उनको क्या कर सकते हैं, हम उसको हम मैन्युअली रिमूव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मैन्युअली रिमूव कर सकते हैं, ठीक। तो ये था लेजर ग्रेन बोरर या फिर सुसरी के बारे में।